नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज पूरे देश में धूमधाम से बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। देश के साथ साथ प्रदेश में भी बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मस्जिद पर नमाज अदा की गई। कन्नौज में आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ नमाज अदा की गई। इस दौरान जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं आला अधिकारियों ने भी धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, कन्नौज, औरैया, अलीगढ़, देवरिया, बिजनौर, सभी जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी जगह ईद की नमाज अदा की गई। शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। सभी जगह पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। देवरिया जनपद में आज लगभग 300 से अधिक स्थानों पर नमाज अदा की जा रही है। कई जगहों पर नमाज अदा हो गई है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस प्रबंध किया गया है। पीएसी की ड्यूटी कर रही है। रिजर्व जो हमारी पुलिस है उसको भी जगह जगह तैनात किया गया है और सभी जगह अच्छे तरीके से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो नमाज वो अदा की जा रही है और कुछ ही समय में ये संपूर्ण जो नमाज अदा करना पूरे जिले में हो जाए। अलीगढ़ की शाहजमाल ईदगाह है जहां पर अभी शांतिपूर्वक सभी मुसलमान भाइयों ने और नमाज पढ़ी है। नमाज अभी जस्ट ख़त्म भी हो गई और इसमें पुलिस प्रशासन और नगर निगम की तरफ से हर तरह की साफ़ सफाई से लेकर पीने के पानी और जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी वो सारी व्यवस्थाएं की गई थी। कहीं कोई समस्या नहीं थी और सकुशल संपन्न हो गई आज की नमाज। जनपद में ईद उल अज़हा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। सुबह से ही हमारी टीमें करीब 28 QRT की टीमें और करीब 2 कंपनी PSC और थाना पुलिस के बल लगा करके सारी व्यवस्थाएं की गई थी और इस समय अब हमारी सारी टीमें कुर्बानी को सकुशल संपन्न कराने में लगी हुई हैं। सभी कस्बों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। CCTV कैमराज लगे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है और सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। मुझे पूरा विश्वास है कि कुर्बानी भी सकुशल संपन्न होगी और मैं आपके माध्यम से सभी समस्त जनपदवासियों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद देता हूँ। आज ईद उल अज़हा की नमाज हम लोगों ने अदा की है। बड़े ही मोहब्बत और प्यार के साथ हम लोगों ने यहाँ नमाज अदा की है और सबको यही पैगाम दिया है कि आज कुर्बानी का दिन है कि कुर्बानी जो भी करें फर्दे में करें और बेहरमती ना करें और सभी आपस में अखलाक मोहब्बत बना कर रहें। मैं भाई मोहब्बत का पैगाम दूंगा, प्यार मोहब्बत का अमनामान के लिए और सबको ये ईद की मुबारकबाद पेश करूंगा। अपने अहले वतन को, बिरादरी वतन को भी मुबारकबाद समझे ना। और ये दुआ करूंगा अल्लाह से, तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, हमारे मुल्क में अमनामान कायम रहे और किसी किस्म का कोई संकट पेशा पैदा ना हो। प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे उसे कैसे देखा? ये तो अभी बाहर मालूम होगा कि अच्छा इंतजाम है। बजाय उम्मीद यही है कि अच्छा इंतजाम हो। मथुरा में आस्था के मिनी कुंभ मुड़िया मेला में जनसैलाब उमड़ रहा है। मुड़िया पूर्णिमा मेले की शुरुआत होते ही लाखों श्रद्धालु गिरिराज की शरण में पहुंचते हैं। जयकारों के साथ श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। गिरिराज महाराज के मुड़िया मेला का नजारा किसी कुंभ से कम नहीं होता। मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कमिश्नर अमित गुप्ता के साथ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और SSP अभिषेक गोवर्धन पहुंचे।
अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच चली आ रही आपसी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष हुआ। इससे पहले भी भूरी सिंह के बेटे के कपड़े और जूतों की दुकान में लाखों रुपए की चोरी हुई थी, जिसमें स्वामी टिंकू ने गांव के पूर्व प्रधान पक्ष समेत तीन लोगों पर चोरी की आशंका जताते हुए मुकदमा लिखवाया था। चोरी के आरोप के चलते पूर्व प्रधान पक्ष ने दुकानदार पक्ष पर चढ़ाई करते हुए कई राउंड फायरिंग की। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले और पथराव भी हुआ। घटना में एक युवती राधा और उसके पिता दोनों लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर मौजूद पुलिस के सामने पूर्व प्रधान पक्ष पर घायलों ने आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या मामला हुआ है? सब गोली चली। किन किन लोगों में? सब पूरे परिवार वाले, उन पे गोली चली है। क्या बात था? बात जैसे था सर कि रात डकैती हुई थी, दुकान में कपड़ा की दुकान थी, उसको दीवार तोड़ के दुकान में से सारी चीज निकाल ली। दुकान किसकी थी? दुकान मेरे देवर की थी, टिंकू की। और सर फिर बाद में रात को पिलाया नहीं, उन्होंने वहाँ शिकायत दर्ज करवाई हमने, तो पुलिस वाले उनको पैसे दे के उन्होंने हथकाए वहाँ से छुट्टियाँ कर ले। फिर सब सुबह फिर रात में उन्होंने प्लानिंग बनाई मारने के लिए। वहाँ पे सब बंदूक से ने गोली सब ने, दो लोगों की मौत हो गई है, चार पांच लोग घायल पड़े हैं और अभी सर घर पे हैं घायल लोग। तीन दो ने तीन होंगे घर पे, वो आ रहे हैं। प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना लोधा के मूसेपुर जलाल गांव में एक विवाद हो गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है। यहां पर पता चला है कि पड़ोसियों के बीच में आपसी रंजिश का मामला सामने आया है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दुकान से सामान चोरी करने का आरोप लगाया था। उपरोक्त संबंध में जो घायल हैं उनको अस्पताल भेजा गया है और जहाँ पर दो लोगों की मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। इस संबंध में जो पड़ोसी थे उसमें पाँच व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर दिया गया है। इस संबंध में शेष अभियुक्त यदि कोई हो उनके बारे में जानकारी करने के लिए खबर औरैया से है, जहां पर एक पति को उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर मार दिया। पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ की, जिसके बाद मामले में कई खुलासे हुए। दरअसल मृतक की पत्नी सुनीता देवी का मौसेरे भाई भुवनेश से अवैध संबंध थे। अवैध संबंध की जानकारी जब पति को हुई तो पत्नी ने गला दबाकर पति की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक आनंद दीक्षित एक सरकारी टीचर थे। दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है। 2022 की सुबह एक गांव उड़नपुरा है कोतवाली थाना अंतर्गत, जहां से महिला ने फोन करके यह बताया कि गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है, लिहाजा उसमें पीएम कराया जाना अति आवश्यक है और उसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। पुलिस टीम इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में मौके पर पहुँच करके बाजी को पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम में भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर जब उसकी जांच की गई तो उसमें मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू थ्रॉटलिंग आया। संदेह गहराने पर जांच और की गई तो उसमें पता ये चला कि मृतक की पत्नी के अवैध संबंध मृतक के ही मौसेरे भाई से थे, जिनका काफ़ी दिनों से मतलब संबंध चल रहा था, आना जाना था। उस दिन भी वो दोनों आपस में रात के समय छत पर लेटे हुए थे। मृतक को शंका होने पर जब वो पहुंचा तो इनको रंगे हाथ पकड़ लिया, जिससे आपस में काफ़ी बड़ा संख्या 523/22 थाना आजा कोतवाली पर दर्ज किया गया है। 48 घंटे के अंदर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना का अनावरण किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज जो दूसरा अभियुक्त है उसको भी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
सभी देशवासियों को और नगरवासियों को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ मैं सभी देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि सीताराम न्यूरो केयर करके हम लोगों ने एक सेंटर जो है मस्तिष्क और दिमाग के रोगों के लिए प्रयागराज में खुला है। ये बालसन चौराहे के पास लौदर रोड पर स्थित है। तो किसी भी प्रकार की अगर मानसिक या मस्तिष्क से संबंधित व्याधि का आप देखते हैं मरीज, तो कृपया करके उसको यहाँ का पता बताने का और यहाँ उपचार कराने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जुर्म सियासत या हो व्यापार, सिनेमा से लेकर गांव गली चौबारे, आपके हक की बात सिर्फ हमारे साथ। सत्ता के मद में अगर डूबी हो सरकार, संसद की हलचल से लेकर गांव की हालत तक की बात सबसे पहले प्राइम टीवी पर, क्योंकि हम है सच, साहस और सरोकार। आपका